Amidst the ongoing Delhi Chalo March, farmer leader Sarvan Singh has announced that as a part of the agitation that started at the Punjab-Haryana border on the 13th of February, they have called for a rail roko mohim across the country today. Sarvan Singh has also now said that until their demands are met, they will continue to protest. And now, the farmers' organizations have started the rail roko protest in Amritsar. Avinash Kamboj, my colleague, is joining us on the broadcast. Avinash, agar aap meri awaaz sun pa rahe hain? Ji. Avinash, Delhi chalo kamyab nahi hua, to ab rail roko andolan par kisan ke jo ye jo sangathan hai, jo union hai, wo focus kar rahi hai. Ji bilkul, jo kisan union Sanyukt Morcha dwara jo call ki gayi thi 12 baje se lekar 4 baje tak, jitne bhi railway track hai Punjab ke, wo sabhi जो ब्लॉक कर दिए गए और जिसकी तस्वीर पटियाला में भी देखने को मिली है, पटियाला में भी बड़ी गिनती में जो किसान महिलाएं और किसान पुरुष है उनके द्वारा रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के चलते हुए जो किसानों द्वारा एक बार फिर दोबारा से जो पंजाब के जितने भी रेलवे ट्रैक है वो सभी ब्लॉकेज कर दिए गए हैं 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। जी जी अविनाश, ये भी बताइए कि शासन की तरफ से किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं ये इस इनकन्वीनियंस को झेलने के लिए? जी, प्रशासन के द्वारा जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए, क्योंकि ट्रैफिक की यह समस्या ना आए उसको लेकर भी ट्रैफिक पुलिस जो कर्मी है वो तैनात किए गए, रूट अलग तैयार किया गया था क्योंकि रेलवे ट्रैक पर आना था ट्रैक्टर ट्रैलियां लेकर, और यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है वहां पर काफी बड़ी गिनती में जो किसान है वो पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक पर बैठ के जो धरना प्रदर्शन है वो जारी हो चुका है। और दूसरी तरफ प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर भी भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किए गए और ट्रैफिक की समस्या ना आए उसे लेकर भी ट्रैफिक के जो रूल है और उसे डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रैली आने के कारण कहीं ना कहीं ट्रैफिक की भी जो समस्या है वो देखने को मिलती है। तो प्रशासन के द्वारा उसको लेकर भी जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पटियाला में। जी, फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द NewsX YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।